हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज आज करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स की की जो जो सीरीज सीरीज चल चल रही रही है है उसकी उसकी लास्ट लास्ट क्लास क्लास है, है। क्लास 12। इसमें आज हम पर्सन इन न्यूज़ और प्लेसेस इन न्यूज़ पढ़ेंगे। ये क्लास होने के बाद हमारा जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें अप्रैल, मई और जून का करंट अफेयर होगा। एक-एक करके सारे न्यूज़ देख लेते हैं, कौन कौन अभी न्यूज़ में रहे, किस लिए वो न्यूज़ में बने हुए थे। पहला है, एट द एज ऑफ 99, डॉक्टर नित्या आनंद, हु डिस्कवर्ड इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सहेली पास्ट अवे। इनका निधन हो गया है, नित्या आनंद का। एक्चुअली इनका जो जन्म है वो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन ये बाद में इंडिया शिफ्ट हुए और इंडिया में ही इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, इंडिया की ही सेवा में लगाई है। इन्होंने फर्स्ट नॉन स्टीरॉयडल, जिसमें स्टीरॉयड्स नहीं हो, ऐसी ओरल पिल डिस्कवर की, जिसका नाम है सहेली। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, सेकंड पेपर में हम बायो वाला पार्ट है, उसमें एक टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि जो गर्भ निरोधक दवाइयां होती हैं, जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, उनमें सबसे पहली जो थी, आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में भी, माला डी, कोपर्टी, ये कुछ तरीके होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के। तो यहाँ पर ये जो सहेली पिल है, सबसे पहली नॉन स्टीरोइडल और ओरल पिल है, इसको किसने डिस्कवर किया था? डॉक्टर नित्या आनंद ने। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड। तो देखो, इनसे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो हमें पूछी जा सकती है। पहला, इन्होंने कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को डिस्कवर किया, या फिर इनका काम ही पूछ लें कि किस किस से रिलेटेड इन्होंने काम किया। ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड रहे क्या? अब देखो, यहाँ पर सहेली जो है, ये पिल न्यूज में है, तो हो सकता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमें कुछ इंफॉर्मेशन पूछ ली जाए, या जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें तीन चार नाम दे दिए जाए और पूछ लें कि कौन सी इनमें स्टीरॉयडल है, कौन सी नॉन स्टीरॉयडल है, कौन सी ओरल है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा ये सीडीआईआर के हेड रह चुके थे। सीडीआईआर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है ये? लखनऊ में। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1951 में। सीएसआईआर की जो 39 लैब्स हैं, उनमें से एक लैब है सीडीआईआर, जो कि लखनऊ में है। इसके साथ ही एक स्लोगन था, हम दो हमारे दो। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक ही कैंपेन चला था, हम दो हमारे दो, तो इनमें भी इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया था, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इसमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, एक-एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट वुमन डीजी सीआई ऑफ सीआईएसएफ, नीना सिंह। नीना सिंह ये प्रथम महिला डीजी बनी है, किसकी? सीआईएसएफ की। एक तो ये भारत में पहली महिला डीजी बनी सीआईएसएफ की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट होने का कारण ये है कि ये राजस्थान काडर की आईपीएस है, राजस्थान काडर की ही आईपीएस है, तो इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनका 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2024, ये इनकी रिटायरमेंट डेट है।
31 जुलाई को ये रिटायर हुई है, तो ये फिर से न्यूज में थी, तो हो सकता है हमें पूछ लिया जाए। और जब कभी इतनी बड़ी फोर्स की कोई महिला डीजी बनती है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। जब कभी भी इस तरह की न्यूज आती है कि कोई महिला पहली बार किसी के अध्यक्ष नियुक्त होती है या कोई इतने बड़े पद पर पहुंचती है तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला है चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक सीएस राजन, ये आप देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पहले चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो अभी आपको पता होना चाहिए अभी चीफ सेक्रेटरी कौन है, सुधांश पंत। इनसे रिलेटेड काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, अपॉइंटमेंट कौन करता है, किसके कहने पर करते हैं, इनके कोई पर्टिकुलर टेन्योर होता है क्या, ये एज ए एडवाइजरी बॉडी काम करता है, यानी कि सीएम का चीफ एडवाइजर होता है। ये हमने एक अलग क्लास में देखा था। आप करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस देखें, क्योंकि बार बार हर न्यूज रिपीट करूंगी तो बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हो जाएंगी। नेक्स्ट है दिव्य, ये कीर्ति लिखा हुआ है, कृति आएगा, दिव्य कृति सिंह राठौड़, इनका जन्म नागौर में हुआ था, अभी ये जयपुर में रह रही है, हॉर्स राइडिंग करती है। ये अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ 10+2 वाला, उसमें पूछा गया है कि ये कौन सा गेम खेलती है, ऐसा कोई क्वेश्चन था, तो उसमें हॉर्स ड्रेसेस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दिया कुमारी, इनको राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष चुना है, इनके बारे में डिटेल में आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। ये वाली न्यूज आप छोड़ देना, ये मैंने आपको करवा दी है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन टी रविकांत, अभी कल जो क्लास हुई थी हमारी, उस क्लास में हमने देखा था कि हाउसिंग बोर्ड ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया है। कहां पर बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जयपुर में, पहला है देश का, दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है उसकी तर्ज पे ये किसने बनाया, हाउसिंग बोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट है टीकाराम जूली हैज बीन मेड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन 16th राजस्थान असेंबली। देखो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, पहला राजस्थान असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, टीकाराम जूली। कौन सी विधानसभा चल रही है अभी हमारी, 16th, कौन सी विधानसभा चल रही है, 16th चल रही है। ऐसे ही अगर हमसे लोकसभा पूछा जाए तो कौन सी लोकसभा चल रही है, 18th। ध्यान रखना है इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये 16th राजस्थान असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा था, कहां से एमएलए बनकर आए हैं, ये अलवर ग्रामीण से। ये जो अलवर ग्रामीण की सीट है ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट है। कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी एससी रिजर्व कैटेगरी सीट है या कौन सी नहीं है, तो अलवर ग्रामीण से ये चुनकर आए हैं, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है ये सीट। इससे पहले 2018 में इनके पास मंत्री पद था, 2013 में ये चुनाव हार गए थे, इससे पहले ये 2008 में भी एमएलए रह चुके हैं। ठीक है, काफी अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इनका रहा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बोलूंगी तो ये होंगे। नेक्स्ट है हरिशंकर भाभड़ा, फॉर्मर डेप्यूटी सीएम एंड असेंबली स्पीकर ऑफ राजस्थान, हु डाइड ऑन 25 जनवरी 2024। देखो इनसे रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, मैं यहां समझा नहीं पाऊंगी इसलिए नया पेज ले लेते हैं। हरिशंकर भावड़ा, इनका निधन हुआ है और निधन भी कौन से दिन हुआ है, 25 जनवरी। ये 25 जनवरी मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये भी याद रहे इस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, तो ये भी आप याद रखना। हरिशंकर भाभड़ा डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं,
और ये असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं, यानी विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। तो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब तक कौन कौन डेप्यूटी सीएम बने, कब कब बने, कौन किसकी सरकार में बना, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले जो डेप्यूटी सीएम बने, डीवाई सीएम लिख देती हूं मैं, वो बने थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल महुआ विधानसभा असम क्षेत्र से थे, ठीक है। उसके बाद दूसरे बने हरिशंकर भाबड़ा, ये बने रतनगढ़ से। 1994 से 1998 तक, इससे पहले ये स्पीकर भी बने थे। 1990 से 1994 तक ये विधानसभा स्पीकर भी रहे। तीसरे बनवारी लाल बैरवा, चौथे कमला बेनीवाल। इसके ऊपर भी दो तीन स्टार लगा लेना, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरिशंकर भाभड़ा, अभी इनका निधन हुआ है, कमला बेनीवाल का भी इसी साल निधन हुआ है, ये भी याद रखना। ये बैराट से, बैराट विधानसभा क्षेत्र से थी। ये पहली महिला डीवाई सीएम है, राजस्थान की पहली महिला डिप्टी सीएम। इनके बाद सचिन पायलट, ये टोंक विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। देन इस बार अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट में है, उसमें दो डीवाई सीएम अपॉइंट हुए, एक तो दिया कुमारी और दूसरे पीसी बैरवा, प्रेमचंद बैरवा। दिया कुमारी हैं, ये जयपुर के विद्याधर नगर से चुनाव लड़कर आई हैं, और पीसी बैरवा जयपुर ग्रामीण में, एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है दूदू, वहां से ये एमएलए हैं। दिया कुमारी हैं, पहले सांसद थी, उसके बाद अभी ये विद्याधर नगर से विधायक हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो दिया कुमारी हैं, जो अभी 2023 के असेंबली इलेक्शन हुए थे, उनमें इनकी सबसे बड़ी जीत थी, सबसे बड़ी जीत। लगभग ये 71,000 कुछ वोटों से जीती थी, सबसे बड़ी जीत थी। और दूसरी सबसे बड़ी जीत थी राजकुमार रोत, जिनको 69,000 कुछ वोटों से जीत हासिल हुई थी। ये इसलिए भी, अभी देखो आप ये मत सोचना कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा था आपके मेंस में, बीएपी भारत आदिवासी पार्टी, इस पार्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि इन्होंने अपने कितने प्रत्याशी मैदान में उतारे। अगर आप ऐसी न्यूज़ के साथ बने रहते हैं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो आपको पता होता कि इन्होंने 17 प्रत्याशी उतारे थे, ठीक है। इसके साथ ही चार लोगों ने, उनमें से तीन ने चुनाव जीता था, बाद में एक ने उप चुनाव में जीत हासिल की, और अभी वापस एक सीट खाली हो गई है, वो कौन सी सीट है? 84। ये जो भारत आदिवासी पार्टी है, इसके फाउंडर जो हैं वो हैं राजकुमार रोत, जिनकी अभी दूसरी सबसे बड़ी जीत हुई थी विधानसभा इलेक्शन में। और इस जीत के बाद उन्होंने सांसद के इलेक्शन लड़े बांसवाड़ा लोकसभा सीट से,
और उसमें भी उनको 2.5 लाख के आसपास वोटों से जीत हुई है। तो यहाँ पर ये ऐसी चीजें हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, हमेशा नहीं पूछी जाती, कभी कभी पूछी जाती है। तो थोड़ा अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा है, नहीं है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ऐसी चीजें हैं वो मैं ये बोलूंगी बिना पढ़े ठीक हो जाती है। आप थोड़ा थोड़ा जब भी कोई चुनाव होते हैं तो उनकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अभी वापस इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे 84 विधानसभा में सीट खाली हो गई, ऐसे ही बाकी जगहों पे भी खाली हुई है। तो अभी 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अभी नवंबर में होने हैं, तो वो भी आपको देखने हैं। तो लास्ट हम देख रहे थे कि ये अब तक 7 जो हैं वो डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। यहां पे 7 जो डेप्यूटी सीएम रहे हैं, ऐसे ही 7 डेप्यूटी पीएम भी रह चुके हैं। याद करना आसान हो जाएगा, राजस्थान में डेप्यूटी सीएम कितने अब तक? 7। अभी तक डेप्यूटी पीएम कितने बने हैं? 7। ये मैं इसलिए याद दिलाना चाहती हूं आपको, एक बार इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। फर्स्ट बने सरदार पटेल, इसके अलावा एक आपको चौधरी देवीलाल का नाम याद होना चाहिए, ये भी डेप्यूटी पीएम बने थे। ये 2 बार बने और दोनों ही बार अलग अलग पार्टी से, अलग अलग सरकारों में ये डेप्यूटी पीएम बने थे। जो 7th पीएम बने और लास्ट थे, उसके बाद से अभी बने नहीं है, ये थे, सॉरी थे नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी 7th डेप्यूटी पीएम रह चुके हैं और अभी रिसेंटली इनको भारत रत्न मिला था 2024 में। दूसरी बार ये 3 लोगों की कंडीशन तोड़ी है, भारत रत्न है वो 3 लोगों को दिया जा सकता है मैक्सिमम। इससे पहले 1999 में 4 लोगों को दिया गया और अभी 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। उन 5 में से एक है लाल कृष्ण आडवाणी और ये इंडिया के 7th डेप्यूटी पीएम रह चुके हैं। राजस्थान में भी अब तक 7 डेप्यूटी सीएम है और उनमें से हरिशंकर भाभड़ा की अभी डेथ हो गई है, उनका निधन हुआ। कमला बेनीवाल का भी इसी साल निधन हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है करंट अफेयर्स का ही पूछा जाए, इनसे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है पॉलिटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट है डॉक्टर जयश्री पेरीवाल, पेरीवाल है ये, इन्हें जयपुर ग्रेटर नगर निगम की स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये पेरीवाल ग्रुप ऑफ स्कूल्स जो है उनकी भी हेड है और अभी ये किसी वजह से न्यूज में थी, अच्छी न्यूज नहीं थी, लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक अपने को उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ प्लेसेस हैं जो न्यूज में रहे हैं उनको एक एक करके देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को वर्चुअल तरीके से एक वैदिक घड़ी का उद्घाटन करेंगे, कर चुके हैं अब तो, पुराना करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी है जो उज्जैन में स्थापित की गई है, 85 फुट ऊंचे टावर पर। यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें 30 मुहूर्त देख सकते हैं, कितना देख सकते हैं, टाइम क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट है। कहां पर स्थापित हुई है? उज्जैन में। ये जो उज्जैन में जंतर मंतर है उसके बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि जंतर मंतर है, कब बना, किसने बनवाया। देखो ये तो लिखा हुआ ही है कि 724 से सॉरी 1724 से 1730 के बीच में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया। कई एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है, द्वितीय, प्रथम, तृतीय, इन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप ऐसे याद रखना जंतर मंतर, दो वर्ड याद रखना है, जंतर मंतर दो वर्ड है, तो द्वितीय किसने बनवाया है? सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 से 1730। और जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1730
27 में, ठीक है। पांच जो जंतर मंतर हैं कहां कहां बने हुए हैं, एक तो अपने जयपुर में ही है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा मिला हुआ है, इसके अलावा अभी अमन ने पढ़ा एक उज्जैन में है, एक जंतर मंतर दिल्ली में, एक वाराणसी में है और एक मथुरा में। पांच ऑब्जर्वेटरी है ये, पांचों आपको याद होनी चाहिए कहाँ कहाँ है। कई बार ऐसा क्वेश्चन देता है कि इन पांच में से किन्हीं तीन के नाम दिए हुए होते हैं, एक अलग नाम होता है और उसमें मोस्टली आगरा होता है, हमें लगता है कि वो होगा, तो आपको याद रखना है जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, वाराणसी और मथुरा, ये पांच जंतर मंतर हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के बालोतरा में राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन हुआ है, किसका उद्घाटन, राम सेतु रेलवे ब्रिज, कहां पर, बालोतरा में। ये बालोतरा में कहां पर है, जोधपुर बाड़मेर रेलवे खंड, रेलवे ये सेक्शंस होते हैं ना, रेलवे सेक्शन, और कौन से हाईवे पे, नेशनल हाईवे 112। तो हो सकता है कि आपको ये कहीं ना कहीं ऑप्शन क्रॉस करने में हेल्प कर दे, नेशनल हाईवे 112 जोधपुर और बाड़मेर से गुजरता है। ये कितने रुपए लगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है कि ये 2 किलोमीटर लंबा है। एक न्यूज है अटल प्रोग्रेस वे, ये जो अटल प्रोग्रेस वे है ये 3 स्टेट से होकर गुजरता है, एमपी, राजस्थान और यूपी। कहां से शुरू होता है, कोटा से कहां तक, इटावा तक। ये दो नाम तो जरूरी है कि आपको याद होने चाहिए, कोटा राजस्थान में और इटावा यूपी में, इन दो को ये जोड़ता है अटल प्रोग्रेस वे। बीच में और किस किस को जोड़ता है, श्योपुर, सबलगढ़, भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ये कुछ सिटीज हैं जो इसके अंदर आती है। तो हो सकता है इस तरह से कोई क्वेश्चन बन जाए कि इनमें से किस सिटी से होकर नहीं गुजरता, या फिर अरेंज करना आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये कोटा से इटावा तक है, 404 किलोमीटर लंबा है, कितने किलोमीटर लंबा है, 404 किलोमीटर। ये भारत माला जो परियोजना है, भारत माला परियोजना, इस परियोजना के तहत ही इसको बनाया गया है। किसको जोड़ेगा, कोटा को इटावा से। बीच में कौन कौन से शहर पड़ते हैं, श्योपुर, सबलपुर, भिंड, मुरैना और ग्वालियर। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने चित्तौड़गढ़ किले की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए, 5 किलोमीटर के दायरे में विस्फोट गतिविधियों पर रोक लगाई। यहां से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया, इस तरह के जो रूल्स रेगुलेशन से चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमें देख लेना है कि चित्तौड़गढ़ का किला है वो कब बना, किसने बनवाया, मौर्य शासकों ने, ये गलत लिखा हुआ है, बेराज नहीं है, ये बेड़च नदी है, कौन सी नदी के किनारे बना है, बेड़च। अभी इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये यूनेस्को में शामिल है, ये मैं कम से कम अभी जो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है उनमें 2-3 बार करवा चुकी हूं कि राजस्थान के 9 स्थल हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं। कौन कौन से हैं, जंतर मंतर, केवला देव घाना,
पक्षी अभयारण्य जो है भरतपुर, जंतर मंतर, इसके अलावा 6 किले हैं, इनको भी हमने शॉर्ट में याद किया था, गाजर, चीकू और आम। आपको किसी और तरीके से याद हो सकते हैं तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसलमेर और मेहरानगढ़, ये इस तरह के जो नाम हैं उनमें कंफ्यूजन होता है कि कौन से 6 शामिल हैं, कई बार हम गलत कर देते हैं। तो इन 6 को अगर हम गाजर से याद रखेंगे, गाजर, चीकू और आम, इनसे हम बनाते हैं अभी गागरोन, जैसे जैसलमेर, रैसे, रणथंबोर, इससे बनेगा चित्तौड़गढ़, कुसे, कुंभलगढ़, और आम से बनेगा आमेर। ये मेरा इन्वेंशन नहीं है, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि ऐसे बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। तो ये 6 किले हैं। इसके अलावा रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब आज का दिन भी हो सकता है, महीने भी हो सकते हैं, साल भी, जयपुर, परकोटा जो है उसको भी शामिल कर लिया गया है। देख लो हो गए क्या 8, 2 ये हो गए, 6 ये, 8 और 1 9, 9 हो गए ना, 9 को ही मिला हुआ है। आप स्लाइड में देखना चाहें इसमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, ये केकड़ी में बना है, बस इतना ही याद रखना कि ये इंडिया का फर्स्ट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है केकड़ी। राजस्थान फर्स्ट एथेनॉल प्लांट, ये सूरतगढ़ में स्थापित किया गया। और एक ये न्यूज है, प्रथम पंप जल विद्युत परियोजना शाहपुरा 12, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से देख लेना कि पहली पंप जल विद्युत परियोजना कहां पर चलाई जा रही है, शाहपुरा। आपको इसलिए भी याद होना चाहिए, यहां पर एक जनजाति पाई जाती है सहरिया, जो पीवीटीजी में शामिल है। ये पहली 1800 मेगावाट की पंप युक्त जल विद्युत परियोजना है, रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित है। आप ये वाला पॉइंट है इसको कट कर लीजिएगा, इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, ये कुनों से पानी आएगा। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप कर लो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस ये कहां पर है, यहाँ कौन सी जनजाति है, किस ऊर्जा पर आधारित है, नवीकरणीय, जल कहां से मिलेगा, कूनो नदी से। नेक्स्ट है नीमज माता रोपवे, उदयपुर, कब उद्घाटन हुआ है, 22 जनवरी 2024 को। आप इस पे राइड कर सकते हैं, ज्यादा महंगी टिकट नहीं है, 185 में टू साइड है, टू वे ट्रिप है, तो बहुत मजा आता है इसमें। अब देखो यहां पर एक एक करके देख लेते हैं कि सबसे पहले 2006 में जो पहला रोपवे बना राजस्थान का वो था सुंडा माता, सुंडा माता रोपवे, कहां पर है ये, जालोर, सुंडा माता जालोर, याद है ये सभी को, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद 2008 में ये मनसा पूर्णा है, मनसा पूर्णा करणी माता, ये उदयपुर में है। देखो यहां पर ये मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूं
क्योंकि ये बहुत सारे एस्पिरेंट गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं? करणी माता को देख लेते हैं और वो करणी माता देशनोक वाली समझ लेते हैं। देशनोक है ना, बीकानेर में करणी माता, वो जो व्हाइट, ये सफेद चूहों के लिए फेमस है, जिनको काबा कहा जाता है। लिख देती हूँ थोड़ा सा, क्या पता काम आ जाए कभी। सफेद चूहे हैं यहाँ पर जिनको काबा कहा जाता है। ठीक है, ये फिर तीसरा बना 2016 में, सावित्री माता। सावित्री माता है पुष्कर में। अभी तक हमने तीन देखे हैं। फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला रोपवे है, जालौर में है, सुंडा माता। दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका नाम ऐसा है, हमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमें याद रखना है ये कहाँ पर है, उदयपुर में। तीसरा सावित्री माता जयपुर, सॉरी पुष्कर। देन सामोद वीर हनुमान जी मंदिर चोमू, ये 2019 में बना है। जयपुर में एक और रोपवे बन रहा है जो राजस्थान का फर्स्ट ऑटोमेटिक रोपवे है। ये 1, 2, 3, 4, वैसे तो ये फिफ्थ है, लेकिन राजस्थान का फर्स्ट ऑटोमेटिक रोपवे है कहां पर? खोले के हनुमान जी मंदिर से अन्नपूर्णा माता मंदिर होते हुए वैष्णो देवी माता तक, कहां पर है ये? जयपुर में। तो आप ये कह सकते हैं कि जयपुर में दो रोप हुए हैं, कौन से? एक वीर सामोद हनुमान जी और दूसरा खोले के हनुमान जी। नाम बड़े इंटरेस्टिंग है जयपुर में, पापड़ के हनुमान जी, खोले के हनुमान जी, ढेर के बालाजी। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है वो है एशिया का सबसे बड़ा चूना उत्पादन संयंत्र, ये खींवसर नागौर में लगा है। सीमेन एक कंपनी है, उसने नागौर मिनरल कॉरपोरेशन के साथ मिलके ये एक एग्रीमेंट किया है और चूना उत्पादन का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया है। एशिया का सबसे बड़ा है, ऑफ कोर्स इंडिया का और राजस्थान का भी सबसे बड़ा होगा। ये जो स्टील ग्रेड का सीमेंट होता है, सॉरी केमिस्ट्री ग्रेड, स्टील ग्रेड नहीं, केमिस्ट्री ग्रेड चूना पत्थर का उत्पादन किया जाएगा। आपको पता होगा कि राजस्थान में भारत का 70% के लगभग चूना मिलता है, यानी चूना उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिल सकता है। देखो यहां पर लिखा हुआ है मिल सकता है, मिलेगा कब पता नहीं, क्योंकि आई थिंक जून था 2009 से इसको एनलिस्ट किया हुआ है, यानी पहली बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि इसको शामिल किया जाए वो कब हुआ था? 2009 में। अभी तक इसका स्टेटस पेंडिंग है, इसको यूनेस्को धरोहर का दर्जा नहीं मिला है। इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये राष्ट्रीय पार्क नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट गलती करते हैं कि डेजर्ट नेशनल पार्क को नेशनल पार्क समझ लेते हैं। भाई इसका नाम नेशनल पार्क है, नाम क्या है? डेजर्ट नेशनल पार्क, लेकिन है क्या ये? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम बोल सकते हैं वन्य जीव अभयारण्य। क्या है? एक वन्य जीव अभयारण्य। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए कि ये नेशनल पार्क नहीं है, क्योंकि राजस्थान में केवल तीन राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनमें से डेजर्ट नेशनल पार्क नहीं है। कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखती हूँ आप ज्योग्राफी कितना पढ़ते हैं, कि कौन कौन से तीन नेशनल पार्क है राजस्थान में। ये भारत की
सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो कम से कम हमें सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया भी पता होना चाहिए। देखो यहां पर लिखा हुआ है 3162 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसको याद रखना बहुत आसान है। देखो 3 6 लिखना, फिर 1 और 2 लिखना, 3000 के आसपास तो आपको याद रहता ही होगा। एग्जैक्ट याद रखने के लिए पहले 3 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है। 3162, वैसे 32 दूनी 62 होता है, सॉरी 32 दूनी 64 होता है, 31 दूनी 62 भी याद रख सकते हो, या मैथ भी कमजोर है शायद। 31 प्लस 31 ऐसे भी याद रख सकते हो, पहले 31 कर लो फिर उसके बाद 62। ठीक है, आसान हो जाती हैं चीजें। कई बार हम तुक्का जब बोलते हैं ना कि तुक्का लगाया था, वो ऐसे ही लगता है कि कुछ कुछ चीजें हमारे दिमाग में होती हैं। एक यहां पर आकलवुड पार्क है जहां से हमें फोसिल या फिर ये बोले कि जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं। कितने साल पुराने हैं ये? 180 मिलियन ईयर्स अगो, इतने पुराने हैं, 180 मिलियन ईयर पुराने हैं, जुरैसिक पीरियड के हैं, जुरैसिक पीरियड के। तो ये टाइमलाइन याद रखनी है, 180 साल पुराने, जुरैसिक पीरियड के हैं, आकलवुड नेशनल पार्क, सॉरी आकलवुड पार्क, और ये है कहां पर? बाड़मेर एंड जैसलमेर। जैसलमेर में एरिया ज्यादा है और बाड़मेर में कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा हुआ है कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो कहां पर सिचुएटेड है? बाड़मेर और जैसलमेर में। इसका एरिया जैसलमेर में ज्यादा है, कहां पर ज्यादा है? जैसलमेर में। तो ये कुछ रिलेटेड फैक्ट थे, आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसका है कि ये एकमात्र ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर राजस्थान का स्टेट बर्ड, राजस्थान का स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री और स्टेट फ्लावर, ये चारों नेचुरली मिलते हैं। स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री और स्टेट फ्लावर नेचुरली मिलते हैं। देख भी लेते हैं कि ये क्या क्या है। स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इनडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, IUCN की इनडेंजर्ड में। स्टेट एनिमल चिंकारा, और अगर डोमेस्टिक कैटेगरी में पूछा जाए तो डोमेस्टिक कैटेगरी में कौन सा है? कैमल, ये भी याद रखना। 2014 में ऐड किया था डोमेस्टिक कैटेगरी में, किसको मानते हैं स्टेट एनिमल? कैमल को, और वैसे वाइल्ड लाइफ जो हमारी संपदाएं हैं उनमें चिंकारा को। नेक्स्ट स्टेट ट्री खेजड़ी, और स्टेट फ्लावर है रोहिड़ा। इन सब के अलावा आक मिलता है वहां पर, और सेवन घास बहुत फेमस है। ठीक है, नेचुरली स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्टेट एनिमल चिंकारा, स्टेट ट्री खेजड़ी और स्टेट फ्लावर रोहिड़ा, इसके साथ ही सेवन घास भी इस डेजर्ट पार्क में पाई जाती है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। नेक्स्ट है, राजस्थान खान विभाग को लो एस्क भंडार मिला है, मैग्नेटाइट हेमेटाइट से भरपूर अधिक जमा होने की संभावना है।
राजस्थान के करौली में औद्योगिक क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसकी खोज हुई है। अब हम लो एस्क देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। जब जब भी लो एस्क आता है मैं इन चारों का जिक्र करती हूं ताकि आपको ये चारों टाइप याद हो जाए। जब जब कोल की बात आती है तो उसमें भी एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट वो पढ़ते हैं। तो यहां पर हेमेटाइट है, इसको रेड ओकर भी बोलते हैं। मैग्नेटाइट को ब्लैक ओर बोलते हैं। और जो लिमोनाइट है वो थोड़ा येलोइस कलर का होता है, येलोइस ब्राउन। तो ये जो हेमेटाइट है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। इसमें जो आयरन का कंटेंट होता है, मेटल कंटेंट, वो काफी ज्यादा होता है, लगभग 70% या इससे ऊपर होता है। जबकि मैग्नेटाइट है इसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं, जो मेटल कंटेंट है वो 60 से 70% होता है। ऐसे ही लिमोनाइट में जो मेटल कंटेंट है वो 40 से 60% होता है। और सीडेराइट है वो सबसे इंफीरियर क्वालिटी का लो एश्क है, यानी आयरन ओन है, सबसे इंफीरियर क्वालिटी यानी निम्न गुणवत्ता वाला है। और इसमें जो मेटल कंटेंट है वो 40% से भी कम मिलता है। इसको हम एक्सक्रेट नहीं करते, लेकिन कुछ और मेटल्स का एक्सक्रेशन करते हैं, उनके साइड बाय साइड ये अपने आप एक्सक्रेट हो जाता है। ठीक है, अभी राजस्थान में लो एश्क के भंडार मौरिजा नीमला, लालसोट, रामपुरा डाबला, मोहनपुरा, ताउंदा, पुरबरनेड़ा, बिगोद, नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, ददरोली, लीलोती, ये आप पढ़ लेना डिटेल में, क्योंकि किसी दिन जब लो एस्क हम राजस्थान ज्योग्राफी में करेंगे तो हम इनको याद करेंगे कि इनको याद कैसे रखा जाता है। अभी आपको देखना है कौन कौन से टाइप होते हैं, किसमें मेटल कंटेंट कितना होता है, कौन सा बेस्ट क्वालिटी का है और कौन सा लोवेस्ट क्वालिटी का। नेक्स्ट न्यूज है राजस्थान में जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। अब देखो इसको आप हिंदी में याद रखेंगे ज्यादा इजी रहेगा। एक है मरु महोत्सव और एक है थार महोत्सव। ठीक है, आपको याद नहीं है तो मैं याद करवा देती हूं। अभी लास्ट क्लास में हमने देखे थे, पहले वो देख लेते हैं, याद है क्या? ऊंट महोत्सव बीकानेर, देखो ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे मेले लगते हैं, महोत्सव होते हैं, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट जो करवाता है एटलीस्ट हमें उतने याद होना जरूरी है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ऐसे वाले जो महोत्सव हैं इनको मैच करवाना आता है। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर, इसके अलावा हमने पढ़ा था शरद महोत्सव माउंट आबू। आज हम दो महोत्सव और याद कर लेंगे, एक मरु महोत्सव जैसलमेर में और थार महोत्सव बाड़मेर में। ऊंट का सभी को याद है। अब मैं आज आरटीडीसी के होटल्स नहीं करवाऊंगी, 2-3 बार करवा दिए हैं, आप भी सेम चीजें सुन सुन के बोर हो जाएंगे। तो हम आज ये दोनों याद करेंगे, मरु महोत्सव एंड थार महोत्सव। देखो मरु एंड थार दोनों ही एक जैसे नाम है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा कहाँ होता है। दोनों जगह भी याद रहती है, कंफ्यूजन होता है, इनमें से एक याद कर लेते हैं, बचा हुआ फिर दूसरी जगह हो जाएगा। अब जब कभी भी हम बाढ़ की जो ट्रिक बनाएंगे वो बाढ़ से बनाएंगे, बाढ़ मतलब फ्लड। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि बाढ़ आ रही है, बहुत ज्यादा बाढ़ तो आएगी नहीं राजस्थान में, बाड़मेर वाले एरिया में। अब मुझे गाड़ी बनानी नहीं आती है,
फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ये ओपन गाड़ी है और इस गाड़ी को हम नाम दे देते हैं थार। आती ना जीप थार, वो वाली थार जो आपको पसंद होगी बहुत सारे लोगों को। इस थार को हमने, मैंने देखो यहां पे फ्लड दिखाई है। अब जो धोरों में से जो गाड़ी ताबड़तोड़ निकल जाती है तो वो इस बाढ़ में भी निकल जाएगी। तो आपको एक इमेज बना लेनी है कि थोड़ी थोड़ी बाढ़ आ रही है और वहां पे आप थार लेके घूम रहे हैं। थोड़ा एंजॉय कीजिए चीजों को और फिर आपको थार याद हो जाएगा। और थार कहाँ लेके जा रहे हैं? बाड़ में। तो यानी थार महोत्सव है वो है बाड़मेर। अब जैसे ही आपको थार महोत्सव बाड़मेर याद हो जाएगा, देन मरु महोत्सव अपने आप जैसलमेर हो जाएगा। वैसे भी टीले हैं, मर जाओगे कहीं जाके, वहां पता ही नहीं चलेगा, वहां लोग ही इतने कम रहते हैं, सबसे कम डेंसिटी है जैसलमेर में। तो वैसे भी याद रख सकते हैं, आप अपनी कोई भी ट्रिक खुद से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने 12 जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया। वैसे तो काफी सारे मानते हैं, लेकिन ये इंडिया की फर्स्ट नोटिफाइड भू विरासत स्थल है। इंडिया की फर्स्ट नोटिफाइड भू विरासत स्थल है ये जो रामगढ़ क्रेटर है। ये 12 जिले के किशनगंज में रामगढ़ गांव है, वहां पर है। किशनगढ़ में रामगढ़ गांव है, वहां पर है रामगढ़ क्रेटर। ये इसमें जो फैक्ट्स लिखे हैं वो इससे रिलेटेड यहां बता देती हूँ, फिर एक नई स्लाइड लेके करते हैं। राजस्थान में रामगढ़ क्रेटर 165 मिलियन वर्ष पहले एक उल्का प्रभाव के कारण बना था। ये जो 3 किलोमीटर लिखा है इसको एग्जैक्ट लिख लीजिए, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस नोटिफिकेशन में 3.2 किलोमीटर लिखा हुआ है। हो सकता है हमें एग्जैक्ट पूछ ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट भू विरासत है नोटिफाइड, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका डायमीटर पूछ ले कितना है। 3.2 किलोमीटर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंतर्गत ये एक कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके साथ ही 2017 के जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन रूल्स हैं, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, उसके अंडर ये एक वेटलैंड भी है। ठीक है, इसके अलावा पुष्कर तालाब जो कॉम्प्लेक्स है, वेटलैंड एरिया जो इसका है, यहां पर ये जो पुष्कर तालाब है इसमें जो वाटर है वो वाटर सैलाइन एंड एल्कलाइन। ये जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं, तो हमें एग्जैक्ट करनी चाहिए। 3.2 किलोमीटर इसका डायमीटर यानी व्यास है। जो यहां पर पुष्कर तालाब कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स का जो वाटर है वो क्या है, सेलाइन एंड एल्कलाइन। इसके साथ ही यहां पर एक भंडदेव मंदिर भी है। क्या है? भंडदेव मंदिर। अब हम देख लेते हैं कि इसके अलावा भी और ऐसी झीलें हैं क्या रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर के अलावा दो और ऐसे क्रेटर हैं, एक है ढाला, ये एमपी में है और इसका डायमीटर है 14 किलोमीटर। ढाला एमपी में ये सबसे बड़ा क्रेटर है, इसका डायमीटर कितना है, 14 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा है लोनार क्रेटर, ये बुलढाणा महाराष्ट्र में है और इसका डायमीटर है 1.8 किलोमीटर। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गजट नोटिफिकेशन में भी दिया है। ढाला
एमपी में इसका डायमीटर 14 किलोमीटर, लोनार बुल्ढाना इसका डायमीटर है 1.8 किलोमीटर। तीसरी ऐसी क्रेटर है रामगढ़ क्रेटर, ये कहां पर है? किशनगंज 12, क्योंकि राजस्थान में है ये तो हमको पता ही है, हमें तो क्या पता होनी चाहिए वो जगह और डिस्ट्रिक्ट। इसका डायमीटर है 3.2 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ये भारत की फर्स्ट क्रेटर, सॉरी भारत की फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट है, जियो हेरिटेज जो नोटिफाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट। गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष उपलक्ष्य में 9 मार्च को राजस्थान के बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम हुआ। बस आप सिर्फ ये देख लें कि ये जो हमारा संविधान हमारा अभिमान जो कार्यक्रम है ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है बीकानेर में। अगला, जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पनोरमा, ये पनोरमा बनाया जाएगा। अभी जो जैन मुनि विद्यासागर हैं इनके बारे में देख लेते हैं। विद्या सागर, इनका जो जन्म है, जन्म हुआ बेलगांव, बेलगांव कर्नाटक में है, आपने पढ़ा भी होगा। यहां पर कोई फेमस अधिवेशन हुआ क्या कांग्रेस का, वो आपको देख लेना है। इनको हिंदी संस्कृत, जैन मुनि है तो प्राकृत भी आती होगी, कन्नड़ और मराठी, इन भाषाओं की जानकारी थी। इन्होंने कुछ किताबें लिखी, सुनीति शतक, भावना शतक, भावना शतक, निरंजना शतक, देखो फिलहाल मुझे भी इतनी याद है, लेकिन मैंने देखा कि इनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी, किताबों के नाम सॉरी, तो उन सभी में शतक वर्ड आ रहा है। अगर जब कभी तुक्का लगाना पड़े और इन तीन किताबों में से कोई नाम नहीं दिया हुआ हो, तो जैन मुनि जो विद्यासागर महाराज हैं इनकी किताबों में हर किताब के नाम के पीछे शतक लिखा हुआ है, आप तुक्का लगाने के काम आ सकती है। बाकी याद रखें, सुनीति शतक, भावना शतक और निरंजना शतक, कौन कौन सी लैंग्वेजेज आती थी, इनका जन्म बेलगांव, इनकी कार्यस्थली जो थी वो थी अजमेर। कार्यस्थली क्या थी? अजमेर। इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी फल सब्जियां सूखे मेवे नमक चीनी ऐसी चीजें कभी कंज्यूम नहीं करी, यानी इनको कभी नहीं छुआ। ये सिंपल रोटी और उबली हुई दाल सिर्फ ये खाते थे, और इसमें भी लिमिट थी कितनी रोटियां खानी है, इवन पानी भी लिमिट का पीते थे, अपनी जो अंगुल होती है ऐसे भर के 2 बार। तो बहुत ही एक ये बोलेंगे कि स्ट्रिक्ट लाइफ इन्होंने अपनी बना रखी थी, और इनके नाम पर अभी ये पनोरमा बनाया जाएगा अजमेर में, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में कृष्ण धाम सांवलिया जी मंदिर में तीसरे वाटर लेजर शो का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो आपको ये याद रखना है, सांवलिया सेठ जी जो मंदिर है कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में है, और इस मंदिर से बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा इकट्ठा होता है। यहाँ पे जो चढ़ावा है वो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, ये 30 मिनट की अवधि वाला शो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 600, यानी 600 लोग एक साथ बैठकर इस शो को एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट है, दौसा गंगापुर रेल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग बनी हुई है इसके ऊपर,
2.17 किलोमीटर की ये राजस्थान की सबसे बड़ी सुरंग है। आपके लिए होमवर्क है, आपको सेई सुरंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो ये जो इसकी शुरुआत 2010 में लिखी है, लेकिन इसका जो शिलान्यास है वो बहुत पहले हो गया था। शिलान्यास हुआ था इसका 1996 में। वहां पर उस टाइम जो सॉरी विधायक थे या सांसद थे, आई डोंट नो, शायद विधायक रहे होंगे, राजेश पायलट जी, स्वर्गीय राजेश पायलट। और उस टाइम रेल मंत्री थे रामविलास पासवान, रेल मंत्री रामविलास पासवान। इन दोनों ने इसका शिलान्यास किया था कब? 1996 में। और ये बनकर कंप्लीट कब हुई है? 2023 में। 95 किलोमीटर इस परियोजना की लंबाई है और ये गंगापुर और दौसा को जोड़ेगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अब हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें अप्रैल मई और जून का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। पीपीटी भी थोड़ा चेंज वे में मिलेगी आपको, तब तक आप रिवाइज करते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।